जैसे लॉटरी का टिकट प्रिंट करना है तो उसपे अलग अलग सीरियल नंबर होता है ना, तो वो सीरियल नंबर कैसे प्रिंट करेंगे? एक डिजाइन बना लिया है, जैसे मान लिया 1,000 प्रिंट करना है, 500 प्रिंट करना है, जितना भी प्रिंट करना है उसमें सीरियल नंबर कैसे आएगा, तो आप ये देखिए कैसे आएगा। और हाँ एक चीज ये भी बता दूं, ये प्रिंट मर्ज कमांड से होता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपका सिस्टम हाई कॉन्फिग्रेशन का है तब तो ये प्रिंट कमांड जो है बहुत अच्छे से काम करता है, अगर लो कॉन्फिग्रेशन का है तो आपका सिस्टम बिल्कुल इसमें चल नहीं पाएगा, बिल्कुल हैंग हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। आप देखिए इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक मान लीजिए टिकट है, ठीक है ना, ये टिकट है। अब इस पे हमें नंबर देना है, जैसे यहाँ भी नंबर देना है, यहाँ पर नंबर देना है, ठीक है ना, दो दो नंबर देना है, यहाँ से फटके अलग हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, तो दोनों जगह आपको नंबर देना है, तो इसको कैसे प्रिंट करेंगे? एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, जिस शीट पर आपको प्रिंट करना है वो शीट मालूम होना चाहिए कितनी बड़ी शीट है, और उस शीट पर ये भी मालूम होना चाहिए कि ये आपकी डिजाइन कितनी पीस उसमें प्रिंट होगी, कितने अप्स लगेंगे इस पर, ये आपको पता होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग हम देंगे। जैसे सपोज कीजिए ये जो है A4 शीट है, A4 शीट पर मैं चार इसको निकालूंगा, अगर इधर से देखूंगा ना, तो ये अगर इधर से देखेंगे ऐसे करके थोड़ा सा अंदाजा लगा लेंगे, ऐसे करके चार आ रहा है, ठीक है ना, तो हमें ये पता चल गया A4 पे चार प्रिंट करना है। तो अब उसी चार के मल्टीपल में हमें इसका सीरियल नंबर देना है, जैसे मान लीजिए कि अब हमें देना है 100 देना है, 108 देना है, 112 देना है, तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, या जितने भी इस शीट में आए। जैसे सपोज कीजिए इसको हम और छोटा कर देते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं, जैसे इतना बड़ा कर दिए और यहाँ लगा के देख लिए, इधर से 3 आ गया और इधर से आ गया 3, यानी 9 हो गया ना, 9 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि A4 शीट अगर 9 आ रहा है तो 9 के मल्टीपल में सीरियल नंबर देंगे हम, जितना मर्जी उतना दे दीजिए, जैसे 90 दे सकते हैं, 90 का दूना 180 दे सकते हैं, इस तरीके से आप देंगे तो पूरा परफेक्ट आएगा। तो चार के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला चीज क्या है, इसका जो साइज है झट से इसको कॉपी कर लीजिए, साइज हमने कॉपी किया, यहाँ बाहर क्लिक करेंगे, अभी पेज साइज है, पेज साइज पे इसको हम पेस्ट कर दिए, फिर इसको इसकी ऊंचाई कॉपी किए, फिर इसकी पेज की ऊंचाई में इसको कॉपी कर दिया, और पी प्रेस करके इसको हमने क्या कर दिया, ये बिल्कुल सेंटर सेंटर में हो गए पेज के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे पेज फाइल में जाके प्रिंट मर्ज में, ये क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज, यहाँ जाएंगे क्रिएट न्यू टेक्स्ट, ओके, फिर यहाँ पे सेकंड फील्ड में लेंगे न्यूमेरिक फील्ड, यहाँ लिख देता हूँ नंबर, नंबर करके यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसी नंबर जो हमने ऐड किया इस पर क्लिक कर दिए, बहुत ही आसान है। अब यहाँ चलेंगे न्यूमेरिक फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में चलना है, आपको ये देखना है कि ये आपको 10-20 प्रिंट यानी 100 के अंदर अंदर में प्रिंट करना है, 100 से प्लस प्रिंट करना है, 100 से प्लस मतलब 200, 400, 500, 900, 999 तक करना है, या कि 1,000 तक करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्मेट ले सकते हैं। कैसे, जैसे 0 का मतलब है 1 से 9 तक होगा, 0x का मतलब है कि 2 डिजिट होगा, 3 डिजिट, कितने डिजिट में कुल मिला के, मतलब ये कितने डिजिट में करना है, जैसे 4 3 डिजिट में करना है, 100 तक करना है। चलिए अब यहाँ पे कर देंगे कॉन्टिन्यूअली इंक्रीमेंटल न्यूमेरिक फील्ड, इसको हटा देंगे, अब यहाँ से 0 यानी 1 से शुरू करना है, कितने तक करना है, सपोज कीजिए आपको करना है 120 करना है, ठीक है 120 कर दिया हमने, यहाँ हम कर देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ कुछ भी नहीं करना, ये सब कुछ अपने आप बना बनाया है, यहाँ देखेंगे 1 से लेकर के 120 तक ये दिखा रहा है, तो हम कर दिए नेक्स्ट यहाँ से भी, फिर यहाँ भी कर दिए फिनिश। फिनिश करने के बाद अब ये एक पॉपअप मेन्यू आ गया, अब क्या करना है, एडिट प्रिंट मर्ज, दोबारा अगर कुछ करना है, पेज घटाना बढ़ाना है, यहाँ से दोबारा जाके कर सकते हैं। फील्ड जो हमने चुना था, नंबर लिखा था ना, NO करके लिखा था, वही है। अब यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट प्रिंट मर्ज फील्ड, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको यहाँ लेके आना, यानी हमें 2 जगह लगाना है, ठीक है 2 जगह लगाना है या 1 जगह लगाना है, जैसे मर्जी आप वैसे करेंगे। दोबारा फिर करते हैं इसे, फिर करेंगे एक हमें यहाँ लगाना है, यहाँ लगभग इतना, ठीक है कोई बात नहीं। अब तीसरे ऑप्शन पर चलेंगे,
प्रिंट मोड यानी परफॉर्म प्रिंट मोड यहाँ जाएंगे। यहाँ पे देखना आपके पास डिजिटल प्रिंटर है कि नहीं है, या जो भी प्रिंटर है जिससे आप प्रिंट निकालना चाहते हैं वो प्रिंटर होना चाहिए, तो वो प्रिंटर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको पीडीएफ बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं लैंडस्केप, और यहाँ एडवांस में चल के लेटर की जगह पे A4 ले लेते हैं, क्योंकि A4 पे प्रिंट करना है। ठीक है, इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, यहाँ सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे दो, यहाँ पर भी दो कर देंगे, यानी चार हो गया ये। और यहाँ के बीच के गैपिंग थोड़ा बढ़ा देंगे, गैपिंग बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे 5 कर दीजिए, यहाँ भी ये 5 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ चलेंगे इस पर कट मार्क भी दे सकते हैं, कट मार्क देने के लिए यहाँ गए, कट मार्क दे दिए। ठीक है, इसकी ब्लीड नहीं बढ़ाएं क्योंकि जेपीजी फाइल है, सिर्फ मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना, ये हो गया आपका, ये 001, 001, 002, 002, 003, 004, ऐसे करके आप देखेंगे 130 पेज तक बन गया। 130 इंटू 4 करेंगे तो 120 आ जाएगा ना। तो आप यहाँ लास्ट में देखेंगे ना, एकदम लास्ट में मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखिए 120 तक आ गया, ये 119, 120 आ गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, चाहे आप प्रिंट कमांड देके प्रिंट निकाल लीजिए, चाहे पीडीएफ बनाना हो पीडीएफ बना लीजिए। जैसे लिख देता हूँ प्रिंट मर्ज ट्यूटोरियल, ठीक है ना, ऐसे करके इसको मैं सेव कर देता हूँ। और ये याद रखना, आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन हाईफाई होना चाहिए, तभी ये सब लेता है। अगर लो वर्जन का कंप्यूटर है तो उसमें 120 ज्यादा पेज नहीं बनाएंगे, दो चार छह पेज बना करके तब उसके बाद में करेंगे, दो चार छह पेज प्रिंट करके फिर उसके आगे से प्रिंट करेंगे, फिर दो चार पेज प्रिंट करके फिर उसके आगे से करेंगे, नहीं तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। अब मैं देखता हूँ ये बन गया कि नहीं बना। अब इसमें मैं इसको ओपन करता हूँ, अब देखिए ये पीडीएफ बन गई है आपकी। अब आप देखेंगे ना, ये 001, 002, 003, 004, ये कितने पेज हैं, इसमें कितने पेज बने, यहाँ आप देखेंगे 30 पेज बने हैं। ये दूसरा पेज लिया 5, 6, 7, 8, फिर दूसरा तीसरा पेज लिया 9, 10, 11, 12, ऐसे करके आप देखेंगे लास्ट वाला पेज देखेंगे ये 120 तक ही आ गया। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी भेज सकते हैं, कहीं भी प्रिंट करवाना हो ऐसे भी भेज सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो दोबारा आप मुझसे कमेंट करके पूछना, जरूर पूछना। और ये वीडियो मेरी कैसी लगी आप कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर बताइए, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।